खबर कालपी तहसील के ग्राम महेवा से है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख समर सिंह चौहान गुड्डू महेवा के यहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हुआ। बता दें, कुछ महीने पहले समर सिंह चौहान के भतीजे शिवकांत चौहान की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मौत हो गई थी। मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेता को संकट के छड़ों में धैर्य देने आए थे। बता दें, अखिलेश यादव ने दिवंगत शिवकांत चौहान के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और समर सिंह गुड्डू महेवा को इस दुख भरे क्षण में सांत्वना देते हुए हर प्रकार से सहयोग देने को कहा। देखिए संवाददाता पंकज सिंह के साथ पूरी खबर। आज हम आए हैं कालपी तहसील के ग्राम महेवा में, जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आगमन समर सिंह चौहान जी के यहाँ हुआ, जो कि उनके भतीजे शिवकांत जी को श्रद्धांजलि देने आए थे। शांत रहो भाई। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी समर सिंह बहुत पुराने नेता कार्यकर्ता रहे, समय समय पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया। मुझे याद है, जब कभी भी मैं यहाँ से गुजरा होगा या समाजवादी पार्टी का कभी कार्यक्रम रहा होगा, किसी आंदोलन में हिस्सेदारी की बात रही होगी, तो समर सिंह पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने सब साथियों के साथ हमेशा समाजवादी के कार्यक्रमों को सफल बनाया। मैं जब भी रथ लेके गया होऊंगा या किसी कार्यक्रम के आयोजन में बुलाया होगा, ये बहुत ही अपने सभी साथियों तैयारी के साथ पहुँचूंगा। आज इनके परिवार के ऊपर दुख आया है, और ऐसा दुख जो हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। परिवार के लोग अभी भी सहमत नहीं है कि आगे का इतना होनहार बेटा कैसे खो दिया उन्होंने, और आज भी सच्चाई सामने नहीं है। मैं इन परिवार से जहाँ दुख बांटने आया हूँ, उसको श्रद्धांजलि दी है मैंने, वहीं मैं परिवार के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि न्याय के लिए अगर कोई विशेष जांच की भी मांग करनी पड़ेगी, तो न्याय दिलाने के लिए विशेष जांच करा करके सच्चाई सामने आए, उसके लिए समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी दिखाई दे। ये एम्बुलेंस नहीं चलाना चाहते और अस्पताल में दवाई नहीं रखना चाहते, डॉक्टर पहले से नहीं है, ये गरीब को मारना चाहते हैं, गरीब को मारना चाहते हैं, इसीलिए एम्बुलेंस नहीं चला रहे। और जो व्यवस्था अच्छी चल रही थी, वो तमाम कर्मचारियों को भी निकालने का काम किया। समाजवादी सरकार में ये एम्बुलेंस इसलिए चली थी जिससे गरीब के गाँव में अगर कोई साधन नहीं है, गाड़ी उपलब्ध हो, वो अस्पताल कम से कम पहुंच जाए और उसका इलाज हो जाए। लेकिन ये सरकार चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे पुलिस की 100 नंबर जो अब 112 है, वो इंतजाम हो, सब बर्बाद करना चाहते हैं। यही जालौन कालपी उरई का इलाका है जहां बड़े बड़े उद्योगपति आकर के सोलर के प्लांट लगा रहे थे। अब वो सोलर प्लांट कहां लग रहे हैं? बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, आज चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, और न्याय मिल नहीं सकता। अब सोचिए, समर सिंह भटक रहे इतने दिनों में, इन पे छोटे मुकदमे लग गए, जेल हो आए, लेकिन आज भी इनके लिए न्याय नहीं मिल पा रहा। इस सरकार में न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। आपके बगल में बलवंत सिंह की हत्या हुई, पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। हम लोग मांग कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए की मदद करो, अभी तक सरकार नहीं मदद कर पा रही है। उस परिवार में उसकी विधवा है, उसका जीवन यापन कैसे होगा? हमारी समाजवादियों की मांग रही, मैं परिवार से मिला हूँ, उसे भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वो सरकार नहीं दे पा रही। सरकार ने चुनाव में बैकवर्ड का आरक्षण खत्म किया गया। बीजेपी की नियति साफ नहीं है, बीजेपी की नियत आरक्षण विरोधी है। जिस समय आरक्षण जीतेगा, बीजेपी अपने आप हार जाएगी, और बीजेपी जानबूझ करके उलझा रही है जिससे चुनाव ना हो। समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड होगा? समाजवादी पार्टी और हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सरकार के खिलाफ और जो फैसला आया उसके खिलाफ खड़े होंगे। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो कहा, अभी हाल में मुख्यमंत्री ने कहा है
गठन करेंगे और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण देंगे। आपको याद होगा अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ था, रजिस्ट्री घोटाला, उसमें कमेटी बनाई थी, आयोग बना था, बताओ कमेटी का कुछ सुनाई हुई है? और जब पहले दिन से विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि जाति जनगणना हो, कौन जाति कितनी आबादी में है उसकी जानकारी हो, आखिरकार इन्हें रोक कौन रहा है? अब आयोग का गठन क्यों कर रहे हो? आपको जनगणना पहले करनी थी, इनकी नीयत साफ नहीं है कि इन्हें चुनाव नहीं कराना, इसलिए ये बहाने। धन्यवाद, बहुत भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद।